चलना पड़ रहा है, क्या तस्वीर है वहां से। जी बिल्कुल, जैसा मैं आपको बता दूं कि सोन समाज का जो ये विधानसभा कूच था और आज अभी जो वार्ता का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। जिस तरीके से इन्होंने वार्ता की जो बात कही थी कि जब तक हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं होती तब तक हम ये आंदोलन करेंगे, और अब वार्ता के लिए जो इनका प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुंच गया है, और साथ ही इसके अंदर जो राजेंद्र कुडा है, सुखदेव सिंह कोकामेडी है, इसके साथ ही जो अन्य जो लोग हैं वो भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल है। वार्ता का जो दौर है अब कुछ ही देर बाद में शुरू हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जिस तरीके से मांग ये कर रहे थे कि हमारी जो आरक्षण संबंधी जो मांग है वो पूरी नहीं की जा रही है, उसका विशेष तौर पे यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, और साथ ही यहाँ पे जो मांगे हैं वो यहाँ पर रखी जाएगी। और हमारे साथ में जो राजेंद्र कुड़ा है उन्हीं से बात करते हैं कि क्या है प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा है, क्या मांग रहेगी, किस तरह से वार्ता हो। वो तो आपको दे दिया ना, वो अभी अभी आ जाती है सरकार, जो कुछ करना उन्हीं को करना है। सारी बात है जो 14% वाला मामला है जो विधानसभा में हो गया, यहाँ हो गया, वो सारी बातें हो जाती है। आपको आपको वो जो भी प्रेस नोट है उसकी वार्ता कर देगा। वार्ता के लिए यहाँ पर अभी कौन आ रहा है? अभी सरकार से नुमाइंदा, मुझे तो पता चला कि यूनुस जी आ रहे हैं, पुष्पेंद्र जी आ रहे हैं। कोई क्या कुछ रहेगा, किस तरह से अगर यहाँ पे मांग नहीं मान जाती है कुछ के बाद में मैं सोचता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर लोग इसमें गुस्सा काफी है, और साथ ही उनका ये कहना है कि अगर इनकी प्रतिनिधि मंडल में कोई वार्ता सफल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये जो अपना रुख है वो आकर आकर्षित करेंगे। फिलहाल यहाँ पर उनके आने की संभावना है, उन्होंने जो अपशब्द सुने हैं। दरअसल चूंकि मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं, ये लाइव है, इसको हम ऑनलाइन एडिट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता है सामने वाला क्या कहेगा। इस अपशब्द के लिए हम माफी जरूर मांगते हैं, लेकिन ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और सतवीर हमारे साथ लगातार बने हुए। सतवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मोटे तौर पर देखा जाए तो अब बीजेपी के कोर वोट बैंक में सवर्ण ही गिने जाते हैं और वही आक्रोशित हैं, उनके हाथ में भी